بسم اللہ الرحمن الرحیم प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो गैस के लॉस को देखा था। हमने देखा था कि गैस क्या है, गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा। हमने डिफरेंट गैस की हमने जो है वो प्रेशर के यूनिट्स को देखा। हमने देखा कि टेम्परेचर के क्या स्केल्स हैं, कितने स्केल्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर हमने देखा कि जो गैस लॉस होते हैं तीन तरह के होते हैं, जिसमें बॉयल्स लॉ को हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियो में। अब जो हमारा टॉपिक है वो है गैस लॉस का दूसरा लॉ जो है हमारे पास है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को डिस्कस करने पहले हम देख लेते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ भी है, फिर उसके बाद डाल्टन्स लॉ भी है जो कि हम गैस लॉ में पढ़ते हैं। हमने देखा कि दो तरह के हमारे पास गैसेज होती हैं, आइडियल गैसेज होती हैं और क्या होती हैं, रियल गैसेज होती हैं। तो बॉयल्स लॉ में जो बॉयल साइंटिस्ट था उसने ये कहा था कि हमारे पास जो प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट चार्ल्स लॉ। व्हाट इज़ चार्ल्स लॉ? इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम, इसमें जो है वो किसका रोल होता है, इसमें प्रेशर को कौन सा रखा जाता है या टेम्परेचर को रखा जाता है और वॉल्यूम को रखा जाता है, किस चीज़ को कौन सा रखा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट, तो लैब को बिगिन करते हैं हम। तो वो कह रहा है हाउ वॉल्यूम वेरीज विद टेम्परेचर, के जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ कैसे तब्दील होता है। सबसे पहले जो बॉयल्स लॉ है वो था, उसमें हमने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा था और नंबर ऑफ मोल्स को। अब जो चार्ल्स लॉ है इसमें हमने क्या करना है, टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है विद द वॉल्यूम। इसमें जो चीज़ कांस्टेंट होगी वो क्या होगा, प्रेशर होगा। तो चार्ल्स लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, प्रेशर। ये एमसीक्यू में आता होता है कि विच थिंग इज़ कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, प्रेशर। और बॉयल्स लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ वॉल्यूम वेरीज विद टेम्परेचर, अब वॉल्यूम जो होता है वो कैसे टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। इफ़ वी प्लेस अ बलून इन द लिक्विड, उसने एक एग्जांपल दी हुई है, उसने कहा है कि इफ़ वी प्लेस अ बलून इन द लिक्विड, अगर हम कोई भी लिक्विड है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो वाटर है, वाटर जो है इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और जो वाटर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2O। अब वाटर है, वो प्लेस अ बलून इन द लिक्विड, लिक्विड में हमने क्या प्लेस करना है, बलून को। अब आप देखें तो उसने एक पिक में शो किया हुआ है कि वाटर है हमारे पास, कोई भी कप है उसमें वाटर है, उसमें हमारे पास कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है, उसमें उसके साथ बलून प्रेजेंट है। नेक्स्ट उसमें एरो के साथ शो किया, उसने कहा है कि हमारे पास एक कप है और साथ में बलून जो है उसके अंदर रखा हुआ है। तो नाइट्रोजन जो है वो उसकी क्या करती है, श्रिंक हो जाती है। तो गैसेस जो होती है वो श्रिंक होती है, सो गैसेस श्रिंक इफ कोल्ड, जब गैसेस ठंडी होती हैं तो वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। इसी तरह इफ़ वी हीट अ गैस, अगर हम एक गैस को हीट करते हैं इट एक्सपैंड, इसी तरह जब हम किसी चीज़ गैस को हीट करते हैं वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। मीन्स के तौर पर हमारे पास कोई भी गैस है, कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस है, उसको हम वो पहले से ही गैस है, वो पहले से ही गैसेज जो होती हैं वो एक्सपेंड करती होती हैं, एक्सपेंशन शो करती हैं, वो जब उसको ज़्यादा हीट किया जाता है तो वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट टेम्परेचर बिफोर वी ट्राई टू फाइंड द एग्जैक्ट रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। तो ये उसने बताया हुआ है कि वॉल्यूम और वेरीज विद टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम जो है वो कैसे जो होता है हमारे पास चेंज होता है। वो कह रहा है कि एक क्लोज़र लुक लें टेम्परेचर की, एक कोई भी क्लोज टैंक लें उसमें जो हीट करें तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है, जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी गैस है, उसको हमने जो है वो क्लोज टैंक या बीकर में क्या किया हुआ है, क्लोज़ किया हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं मज़ीद, तो वो जो है वो गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है और साथ में उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता जाता है, तो वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है।
जब कोई चीज़ एक्सपेंड करती है तो इसका मीन्स है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है व्हाट्स अबाउट चार्ल्स लॉ, कि चार्ल्स लॉ क्या है। चार्ल्स भी एक साइंटिस्ट था, जैसे बॉयल एक साइंटिस्ट था वैसे ही चार्ल्स एक साइंटिस्ट था। उसने अपने नेम पे जो है वो एक लॉ बनाया था जिसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। द केल्विन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू वॉल्यूम, कि जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्ट रिलेटेड होता है वॉल्यूम के साथ। यानी मीन्स टू से कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि वो कह रहा है कि वॉल्यूम चार्ल्स, हमने जो पीछे बॉयज लॉ डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है और प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली रिलेशन होता है विद द वॉल्यूम। यानी कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम जो क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन जो चार्ल्स लॉ उसमें टेम्परेचर को हमने क्या करना है, टेम्परेचर जो होता है वो कह रहा है कि डायरेक्ट रिलेटेड होता है विद द वॉल्यूम। यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बीकर में देख भी सकते हैं कि इसका टेम्परेचर जो होता है वो 200K है और नीचे उसका जो वॉल्यूम होता है 1 लीटर है। अब वो वॉल्यूम जब हम 2 लीटर कर लेते हैं तो टेम्परेचर जो है वो 400K हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब कांस्टेंट का मीन्स ये नहीं है कि हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ नहीं कर रहे, हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो उतने ही रहते हैं जितना हमने पहले प्रेशर अप्लाई किया हुआ है किसी भी गैस पे या सब्सटेंस पे, उतना ही प्रेशर उसके रहता है, चेंज नहीं हो।